नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। अभी मैंने कई दिन पहले एक विजिट की थी जिसमें घर का साइज़ बहुत छोटा था। कहने के लिए एज पर वास्तु उन्होंने घर डिज़ाइन कराया था, लेकिन जब घर बना तो पता चला कि कहीं उनके यहाँ वास्तु दोष है। तो उनको मेरा रेफरेंस मिला, मैं वहाँ पर विजिट के लिए गया तो मैंने क्या देखा, घर का साइज़ छोटा था और उसमें जो जिसे शाफ्ट कहते हैं, जाल वाला एरिया कहते हैं, या उसको थोड़ा बहुत ओपन एरिया भी कहा जा सकता है, वो ओपन एरिया साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोने में छोड़ा हुआ था। यानी ग्राउंड फ्लोर पे भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वो कंप्लीट शाफ्ट बनाई हुई थी और उनका घर पूरा होने में नहीं आ रहा था। जब मैंने जाकर देखा तो उनका स्ट्रक्चर पूरा रेडी था और शाफ्ट को बदलना भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वहाँ कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे कि उनका घर समय पर पूरा हो जाए और वो अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाए। और उसी पॉइंट को लेकर आज मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है यूट्यूब पर वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरीके की वीडियो आपको शायद कहीं मिले। अब प्लॉट का साइज़ जैसा है उसके अंदर घर भी वैसा ही बनाया जाता है। प्लॉट का साइज़ बड़ा है तो बड़े साइज़ के हिसाब से घर बना लिया जाता है। उसमें लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे कहीं ना कहीं कंप्लीट ओपन एरिया छोड़ा जाता है। लेकिन जहां प्लॉट का साइज छोटा होता है, आज के समय में हर व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है और घर के अंदर हवा रोशनी आ जाए उसके लिए वेंटिलेशन छोड़ने की भी कोशिश करता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो सबसे अच्छी दिशा है वेंटिलेशन के लिए, आप उसमें ओपन एरिया कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, उसके ऊपर जाल डालते हैं या उसको खुला रखते हैं, वो आपको कहाँ रखना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। यहाँ पर जाल या शाफ्ट होनी ही चाहिए, लेकिन जगह छोटी है, कई बार स्टेज ऐसी बन जाती है कि नॉर्थ ईस्ट में जाल नहीं आ सकता, तो ऐसे में आप ईस्ट सेंटर में भी जाल लगा सकते हैं, नॉर्थ सेंटर में भी जाल लगा सकते हैं और ऐसे ही आप नॉर्थ वेस्ट में भी जाल लगा सकते हैं। ये चारों दिशाएं आपकी जाल लगाने के लिए, शाफ्ट छोड़ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन कई बार स्टेज ऐसी होती है कि यहाँ पर जाल की या वेंटिलेशन के ऑप्शन नहीं बनती, तो ऐसे में आप अपने यहाँ साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में भी जाल लगाने की ऑप्शन रख सकते हैं, शाफ्ट रखने की ऑप्शन बना सकते हैं। ऐसे ही आपको शाफ्ट रखनी हो, जाल लगाना हो, तो वेस्ट में भी लगाया जा सकता है और साउथ में भी लगाया जा सकता है। बस ध्यान रखना है शाफ्ट या जाल कहाँ नहीं लगाना है, साउथ वेस्ट जोन में, नैऋत्य कोने में। इस कोने में ना तो शाफ्ट बनानी है और ना ही यहाँ पर जाल लगाना है और ना ही यहाँ पर ओपन एरिया रखना चाहिए, क्योंकि जब भी जिस भी घर के साउथ वेस्ट में ओपन एरिया हो जाता है, जाल लगा दिया जाता है या शाफ्ट रख दी जाती है, तो ऐसा घर बनने में नहीं आता। बहुत सारी तकलीफ उस घर को बनाने में आती है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे हेल्थ वाइज है, चाहे बार बार काम रुकता है। इस तरह की समस्याएं जब साउथ वेस्ट में शाफ्ट रखी जाती है या ओपन एरिया रखा जाता है या जाल का एरिया बना दिया जाता है, तो उसके कारण इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसलिए साउथ वेस्ट में जाल या ओपन एरिया नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे अच्छी जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये पांच दिशाएं आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी, ये पांच दिशाएं हैं जाल या शाफ्ट छोड़ने के लिए। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जब शाफ्ट आप साउथ ईस्ट में छोड़ते हैं या साउथ में छोड़ते हैं या वेस्ट में छोड़ते हैं या नॉर्थ में छोड़ते हैं, तो इनका जो फ्लोर लेवल है वो अंदर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। यदि आप अपना घर बना चुके हैं या आपका घर बन रहा है और उसमें आपने ओपन एरिया या शाफ्ट साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोने में ओपन रखा हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है। ऐसे में जो ये आपने ओपन एरिया रखा है, ये शाफ्ट जो रखी है, इसमें नीचे से ऊपर तक टेरेस तक जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद छत के ऊपर एक छत जरूर डलवाएं, यानी इस हिस्से को कवर करें।
हवा का आवागमन साइड से हो तो आपको वहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में शाफ्ट बिल्कुल भी ना बने। बनी हुई है तो जो उपाय मैंने आपको बताया ये काम आप जरूर करें, ऐसा करने से आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर 550 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी ये सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।